शिव श्री गणपति जी महाराज ग्रंथों की रचना कर रहे थे। माता ने देखा इतना मोहक रूप, माता प्रसन्न हो गईं और माता ने विवाह का प्रस्ताव रखा। शिव श्री पुत्र गणपति जी महाराज ने कहा कि मैं अभी ग्रंथों में इस सृष्टि की रचना में व्यस्त हूँ, अभी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। माता नाराज हुई और क्रोधित हुई और श्राप दिया कि मेरे से तुम्हारा मिलन नहीं होगा और तुमने मुझे ठुकराया है, आगे चलकर तुम्हारा दो विवाह होगा। और यही कारण है कि रिद्धि और सिद्धि गणेश भगवान की दो पत्नियां भी हैं। और इसी कारण के वजह से ना तो महादेव जी को और ना शिव श्री पुत्र गणपति जी महाराज को तुलसी का भोग भूल से भी ना लगाएं, अन्यथा शुभ अशुभ में बदल जाता है। और जहाँ पर माता तुलसी का भोग शिव श्री पुत्र गणपति जी महाराज को लगाया जाता है, ऐसे घर में निर्धनता आती है,